Hello everyone, today we will solve from question number 5 of exercise 11.1 class 9 NCERT math. इसके हम 1 से 4 तक पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा. और उससे पहले जो भी चैप्टर है वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.1. अब क्वेश्चन है आपका, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलियन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर. हमें कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर है एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर. एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिंग एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर. पाई हमें यूज करना है 3.1. तो जो हम टेंट बनाएंगे उसमें कितना रिक्वायरमेंट होगा, कैनवास तारपोलिन तिरपाल जो होता है मान लो, है ना, तो क्या होगा जो उसके सीएसए चारों तरफ का एरिया. कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एन. हमें आर एच दे रखे हैं, ठीक है ना. एच दे रखी है 8 मीटर और आर दे रखी है 6 मीटर. तो सबसे पहले तो हम एल निकालेंगे, उसके बाद सीएसए कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालेंगे फॉर्मूला लगा के पाई आर एन. चलिए पहले इतने काम कर लेते हैं, बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. तो हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट हमें दे रखी है, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट जिसको हम एच मान ली, और ये हमें दे रखी है 8 मीटर. ऑफ बेस रेडियस दे रखी है 6. तो लिख लो, तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट, रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट जिसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें रेडियस दे रखी है 6 मीटर. तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालने, हमें फॉर्मूला में एड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो वैल्यू ऑफ एल कितनी आ गई, आर स्क्वायर. रेडियस कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर एच 8 स्क्वायर, यानी कि 10 आ जाएगी. कैसे, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 कितना होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10. तो ये स्लैंट हाइट निकलाई 10 मीटर. क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया होगा. अब कर सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट मतलब कोन की शेप, है ना. तो चलिए निकालते हैं सीएसए पाई आर एल लगा के. तो कर सरफेस एरिया यानी कि सीएसए ऑफ टेंट पाई आर एल, पाई की वैल्यू इसमें हमें गिवन है, हमें पाई की वैल्यू, चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले पाई आर एल, और पाई की वैल्यू हमें दे रखा है 3.14 यूज करनी है. आर 6 मीटर और एल हमने अभी निकाली 10, तो कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीपल करेंगे 31.4 और 6 से मल्टीपल कर दो, 6 फोर जा 24 और 6 बन जा 628, 6 थ्री जा 18 और डेसिमल 2 के बाद 1 के बाद, तो इतने स्क्वायर मीटर आ गया सीएसए ऑफ टेंट. क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई. अब आपने कपड़ा खरीदना होगा, कभी ना कभी तो खरीदे ही होगा भाई, थान का कपड़ा क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है, विड्थ इसकी फिक्स होती है, लेंथ आपकी मर्जी, आप 3 मीटर लो, 4 मीटर लो, 5 मीटर, कितना ही मीटर खरीद सकते हो. इसी तरह यहां है, यहां कपड़े की तारपोलिन तिरपाल जिसे बोलते हैं ना, उसकी विड्थ हमें दे रखी है. तो लखो लिख लेते हैं, विथ ऑफ तारपोलिन, और वो हमें दे रखी है 3 मीटर. और ये कपड़ा यानी कि तारपोलिन त्रिपाल जैसे बोलते हैं ना, टेंट के चारों तरफ रखना, तो इस कपड़े का एरिया क्या होगा, जो इसका सीएसए, और सीएसए हमें दे रखा है 188.4 स्क्वायर मीटर. और तारपोलिन यानी कि क्लॉथ है एक तरीके से, जिसकी शेप क्या होगी, रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल का एरिया होगा एल इंटू बी, तो एल इंटू बी बराबर इसका होगा, एल हमें फाइंड करनी है लेंथ, यानी कि L इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ टेंट, ठीक है ना. लेंथ हमें फाइंड करनी है तारपोलिन की, विथ हमें दे रखी है 3 मीटर और CSA कितना दे रखा है 188.4. तो लेंथ ये सब मीटर में, तो मीटर में निकल के आएगी, तो लेंथ हो गई 188.4 अपॉन 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 वन जा 3, 3 सिक्स जा 18, 32 या 6.2 बचा और 38 जा. तो ये लेंथ एल निकलाई तारपोलिन की, लेकिन
इसमें कुछ और भी है, कुछ नीचे दे रखा था, द्वारा पढ़ देता आप लोगों के लिए। वो दे रखा है एज्यूम डेट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मेटेरियल डेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो आप ये लिख लो एक्स्ट्रा लेंथ या वेस्टेज लेंथ या लेंथ फॉर स्टिचिंग, है ना। तो सबको मिलाकर मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, क्या काम हो रहा है, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा भाई। तो एक्स्ट्रा लेंथ हमें कितनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर, सेंटी क्योंकि मीटर में है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.2 मीटर। तो टोटल लेंथ क्या हुआ, ये प्लस इतनी एक्स्ट्रा चाहिए, तो बस ये आंसर हो जाएगा फाइनल आपका। टोटल लेंथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर क्या था, तारपोलिंग 62.8, तो यही थी, और 0.08 ये आ गई, 62.8, 0.2 कितना हो गया, 63 मीटर। तो जो तार पोलिंग हमें खरीदना होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 63 मीटर। बस समझ में आ गई, इससे तो लेंथ निकल के आई थी 62.8, लेकिन इधर का हमें स्टेचिंग करने में, फोल्डिंग वोल्डिंग करने में 0.2 मीटर की लेंथ एक्स्ट्रा वेस्ट हो रही है। तो कुल कितनी लेंथ होगी, 62.8, ये तो यूज हुई, इतनी वेस्ट हो गई, तो टोटल लेंथ होगी, इन दोनों का ऐड करा 63 मीटर। क्लियर, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया में अगर हम व्हाइट वॉश करते हैं तो कॉस्ट आती है 210। हमें टॉम यानी कि गुम्बद, मस्जिद नीचे होती है ना, गुम्बद कुछ भी मान लो आप, मंदिर की क्या बोलते हैं उसे, ऊपर जो गुम्बद होती है ना वो अंदर से, तो हेमी स्फीयर की शेप मान के चलेंगे, मैथ में हेमी स्फीयर होता है। तो कितना अंदर होगा, तो यानी कि हमें कितना एरिया कवर करना होगा, हेमी स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2πr² के लिए ना, ये क्या कोनिकल है, सॉरी कोनिकल मतलब कोन की शेप में, तो कोन का क्या होगा, पाई आर है। यहाँ देखेंगे कैसी दे रखी है, कोनिकल का मतलब कोन की शेप में, तो कोन का सी एस सी का तो पाई आर एल, यहाँ हमें दे रखी है एल भी दे रखी है और आर भी दे रखी है, तो सी सी तो पाई आर एल का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, एरिया निकलाएगा व्हाइट वॉश के लिए, कैसे होगा चलो लिखते हैं पेपर पर समझाते हैं। तो जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, स्लैंट हाइट इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉम की दे रखी है 25 मीटर, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, बेस डायमीटर ऑफ टॉम, डायमीटर को हम 2r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें दे रखा है 14 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी इसकी, हाफ हो जाएगी, तो पहले रेडियस निकाल लें, रेडियस ऑफ बेस ऑफ टॉम, और ये कैसे है कॉनिकल यानी कि कोन की शेप में है ना, 2 से डिवाइड करा तो 7 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया को बताया, शॉर्ट में लिखते हैं सी एस ए, सी एस ए ऑफ ये होता है पाई आर एल, है ना, खाली टॉम लिखा होता तो टॉम क्या होता है, वैसे हेमीस्फीयर की शेप होती है, आपने देखा होगा मस्जिद की देखने गुंबद वगैरह आधा स्फीयर जिसे बोलते हैं ना हेमीस्फीयर, लेकिन यहाँ लिखा हुआ कोनिकल है, इसकी शेप कैसी है, कोन की तरह है, तो कोन का सी एस पाई आर, इसलिए पाई आर का फॉर्मूला लगा दिया। पाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं दे रखी, तो हमें 22/7 लगानी होगी, 22/7, रेडियस हमने निकाली 7 और स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 25 एल की वैल्यू, तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 25 to 50 तो इतना स्क्वायर मीटर सी एस ऑफ टॉम आ गया। हमें व्हाइट वॉश टॉम में ही करनी है, तो एरिया फॉर व्हाइट वॉश वो भी यही होगा, चलो मैं लिख देता हूं, एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग वो होगा सी एस ऑफ टॉम, और हमने निकाला वो 550 स्क्वायर मीटर। अब इसकी कॉस्ट पूछी है, रेट ऑफ व्हाइट चलो लिख देते हैं, रेट ऑफ व्हाइट पास
या वाइट वॉशिंग कुछ भी लिख लो, अब वो हमें दे रखी है 210 रुपीज जाता तो पर स्क्वायर मीटर, लेकिन यहां अलग है, यहां दे रखा है पर 100 स्पेस कम है तो नीचे लिख रहा हूं 100 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब समझे, 100 स्क्वायर मीटर अगर हम पेंट करेंगे व्हाइट वॉश करेंगे तो कॉस्ट 210, तो इतना करेंगे तो कितनी कॉस्ट होगी, बात समझ में आएगी। 100 की तो 210, तो 1 की कितनी हुई 210 अपॉन 100, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट होगी 210 अपॉन 100, तो इतने क्या होगी इसका मल्टीपल कर देंगे, बात समझ में आ गई। तो चलिए देखते कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, पहले से सॉल्व करते हैं। 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 210, तो 1 की कितनी होगी इतने रुपीस, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट इतनी, हमारे पास करना कितने स्क्वायर मीटर है 550, तो 550 से मल्टीपल कर दें, एक जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, अब क्या सीधा सीधा मल्टीपल करना है 21 कितने होते 105 और 10 कैरी 105 फिर आ गया 105 10 115, तो इतने रुपीस कॉस्ट आ गई, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1155 रुपीस। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 आपका, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, जोकर कैप तो वैसी कोन की शेप में होती है ना, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस देखिए 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, ऐसे अगर हमें 10 कैप बनानी है तो कितने सीट की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे होगा बताते हैं आपको। क्या है हमारे पास एक जोकर कैप है, फिगर की कोई नीड नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दी, कैप ऐसी तो होती है ठीक है ना, इसको बनाने में कितना एरिया लगेगा चारों तरफ के एरिया के, नीचे तो खाली होता है सिर में पहनते हैं, देखी होगी सबने है ना। तो अब क्या है जो चीज इंफॉर्मेशन दे रखी, पहले लिख लेते हैं हम, लिखो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन या कैप, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल कैप आर, ये हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक दूरी 7 और एक दूसरी चीज दे रखी है हाइट, अब वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कैप, हाइट ऑफ कैप यानी कि एच, ये हमें है कहां चला गया क्वेश्चन नंबर 7, 24 सेंटीमीटर हमें निकालना है, 10 कैप बनानी है, 10 कैप के लिए कितना पेपर रिक्वायरमेंट होगी, पेपर सीट जो भी सीट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक कैप की कितने सीट रिक्वायरमेंट होगी, इसके चारों तरफ का एरिया वो कहता है सी एस ए कर सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब वो फॉर्मूला था पाई आर है, यहां केवल हमें आर और एच दे रखे हैं तो हमें एल निकालनी है, तो सबसे पहला काम तो हम एल निकालेंगे स्लैंट हाइट, उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, एल इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल मतलब स्लैंट हाइट ऑफ कैप, आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, एच है 24, तो 24 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर, जब भी स्क्वायर की बात आती है हम आप लोगों से कहते हैं स्क्वायर आप लोगों को 50 तक तो याद होने चाहिए, वरना आप 24 × 24 करते रहोगे ना, 24 का स्क्वायर होता है 576, इनको ऐड करें देखिए क्या आ जाएगा, 9 + 6 = 15 कैरी 1 7 1 8 4 12 कैरी 1 625, अगर आपको स्क्वायर याद है तो मालूम है किसका स्क्वायर होता है 25 का है ना, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एल निकलाया, एल इज 25, यानी कि हमें स्लैंट हाइट मालूम होगी कैप की, स्लैंट हाइट ऑफ कैप एल निकलाई 25 सेंटीमीटर, अब ऐसी 10 कैप बनानी है ठीक है ना, ये तो पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड कितना होगा, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड इतनी रिक्वायरमेंट होगी सीट की 10 × 10 बनानी है इंटू एक कैप का सी एस ए, तो सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन या कैप लिख लो, कैप कैसी है कॉनिकल, तो ये 10 × सी एस ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल,
पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, पाई लिखा मैंने, आर रेडियस हमें दे रखी थी 7 इंटू एल, एल हम निकाल चुके 25, तो क्या हुआ 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना हुआ 10, तो ये है 25 टू जा 50, तो 10 का मल्टीपल करेंगे 5500 स्क्वायर मीटर पेपर शीट चाहिए 10 ऐसी कैप बनाने के लिए, जोकर की 10 कैप बनाने के लिए हमें 5500 स्क्वायर मीटर पेपर शीट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सीधा सिंपल सवाल था। तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन 8 है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, रोड का कुछ रिमेनिंग पार्ट है उसको उसने बैरिकेटिंग करनी है, वाई यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स। 50 कॉन्स आप देखोगे ऑरेंज कलर के कॉन्स होते हैं ना, वो उसकी बात चल रही है। 50 हॉलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड, इसलिए कोई मतलब नहीं है, वह है ऐसा कार्डबोर्ड जो रिसाइकल हो सकता है। ईच कोन हैज, अब मेन चीज ये है, ईच कोन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 है तो रेडियस हो गई 20, क्लियर, एंड हाइट 1 मीटर, हाइट दे रखी है 1 मीटर कोन की, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, बाहर की तरफ खोखला है होलो है तो अंदर पेंट नहीं करना क्योंकि बार बार पेंट करना है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का पेंट करने की कॉस्ट 12 आ रही है, तो हमें ये बात फाइंड करना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन, कितने कोन 50 हॉलो कॉन्स को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आएगी, हमें पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14 और एक वैल्यू और दे रखी है, ये यूज होगी यहाँ पर अंडर रूट 1.04 की वैल्यू रखिए 1.02। तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वो सिंपल सा है, कोन है तो एक कोन को पेंट करने में कितना एरिया होगा, पाई आर है, कर सरफेस एरिया बाहर की तरफ है ना, एच और आर दे रखी तो एल एफ निकालेंगे, ऐसे ऊपर वाले सवाल में निकाली थी, कितने वो हैं कोन 50, तो कुल एरिया कितना होगा पेंट करने के लिए 50 इंटू सी एस सी ऑफ वन कोन, जैसे ऊपर कह रहा था 10 इंटू सी एस सी ऑफ वन कैप, इसी तरह यहाँ जाएगा 50 इंटू सी एस सी ऑफ वन कोन, और जितना भी आएगा उसमें 12 से मल्टीप्ल कर देंगे क्योंकि एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 12 रुपीज, और जो भी निकल के आएगा उसकी कॉस्ट क्या होगी मल्टीप्ल कर देंगे। ओके, चलिए करते हैं, से भी चलिए लिखते हैं क्या क्या दे रखा है, एक तो नंबर ऑफ होलो कॉन्स वो दे रखे हमें 50, सबसे पहले ये लिख लेते, चलिए नंबर ऑफ जो वेरिकेटिंग करनी है जितने कोन से वो दे रखे, नंबर ऑफ होलो कॉन्स 50 एंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, एक कोन की बात चल रही है, डायमीटर 2 आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, बिल्कुल सही सोच रहे 20 हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन 2 से डिवाइड कर दें 20 सेंटीमीटर। अभी एक लाइन और छोड़ देना आप लोग अगर नोट कर रहे हैं हाथ के हाथ, क्यों बताऊंगा क्योंकि हम मीटर में चेंज करेंगे, हाइट हमें मीटर में दे रखी है ना, तो इसको मैंने अभी छोड़ दिया है। अब है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन एच 1 मीटर, अब ऊपर मैंने लाइन क्यों छोड़ दी बताता हूं, अब दिमाग में ये आता है कि हम इसको मीटर में क्यों, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, बात तो सही है कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 100 सेंटीमीटर + 20 तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर हमें एक वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 1.04, तो वो कब आएगी जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1.2 ये आ जाएगी, और जब हम करेंगे है ना अंडर, क्योंकि एल निकालेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तब ऐड करने का वो चीज आएगी, इसलिए यहां इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो 20 सेंटीमीटर को अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करा तो ये हो गया 0.2 मीटर, और इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर भी लेते तो नो प्रॉब्लम, आगे जाके आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो वैल्यू लाने के लिए। ओके, तो आप स्लैंट हाइट निकाल लें, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट क्यों निकाल लें, क्योंकि हमें इनको पेंट करना है कोन को बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ पेंट यानी कि एरिया कितना कवर होगा उसके कर सरफेस एरिया के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो एल तो हमें मालूम नहीं है तो इसलिए एल निकाल लें, स्लैंट हाइट ऑफ कोन
इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल किसके होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस हमने निकाली है 0.2, 0.2 का स्क्वायर मीटर में और एच 1 मीटर और 1 का स्क्वायर। 10 स्टैंडर्ड में तो ये जानते 0.2 का स्क्वायर 0.04, ऐसी गलती मत कर देना, बहुत से लोग 0.4 ही लिख देते हैं। 0.2 इंटू 0.2 करोगे और 2 प्लस का डेसिमल तो 0.04 प्लस 1। अब देखो ये वो वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1.04। अब यहाँ बुक में गिवन है इसकी वैल्यू, ये रही अंडर रूट 1.04 की वैल्यू है 1.02, तो इसको लिख दे रहे हैं। ओहो बड़ा डिस्टर्ब रहा है, तो ये वैल्यू आ गई 1.02। क्या है, स्लैंट हाइट और ये किसमें थी, मीटर में, तो एन निकलाई इतने मीटर। अब जब स्लैंट हाइट निकलाई तो एरिया ऑफ वन होलो कोन क्या होगा, एरिया से मतलब सी एस ए, तो क्या होता है पाई आर एल, एल की वैल्यू ये रही, आर हमें मालूम है 0.2 और पाई की वैल्यू रखी है 3.14। तो चलिए आगे करते हैं इसे, तो लिख देते हैं कर सरफेस एरिया या सी एस ए ऑफ वन कोन, फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई की वैल्यू गिवन है इसमें हमें 3.14 यूज करनी है, रेडियस को हमने चेंज करा था 20 सेंटीमीटर को मीटर में तो 0.2 मीटर और एल अभी आपके सामने लगाई ली इतनी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, कितने रुपए था वो 12 × 5 = 60, चलिए ऐसे नहीं दे रहा हूँ, इसका मल्टीपल कर दे रहा हूँ, 2 का इसमें कर दे रहा हूँ ना, तो ये आएगा 204, 2 × 4 और डेसिमल क्या आएगा 1, 2, 3, यहाँ आएगा 3 प्लेस के बाद, ठीक है ना, 2 प्लेस के बाद और 1 प्लेस के आते, ठीक है, तो 3.14 इंटू 0.204 स्क्वायर मीटर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये नहीं पूछा हमसे, कुछ और पूछा है। अब हमारे पास ऐसे कितने होलो सिलेंडर हैं, सिलेंडर सॉरी गलत बोल गया, कौन है 50, तो एरिया ऑफ 50, बल्कि इसे भी छोड़ो डायरेक्ट इसकी जरूरत क्या है, अब लिखो हमें पेंट करना है इसके ऊपर, है ना, तो एरिया फॉर पेंटिंग, ये ठीक है, क्यों ज्यादा नहीं लिखना, एरिया फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए या पेंट के लिए, चलो पॉइंट लिख रहा हूं, कितना एरिया होगा हमारे पास 50 कोन है, एक कोन का एरिया है, तो 50 कोन के लिए हमें कितना एरिया हो जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दें इतने स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट क्या होगी, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट देखिए 12 रुपीज, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 12 रुपीज, तो इसकी क्या होगी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें, बात समझ में आ गई, तो सो ये आंसर आ जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ पेंट कितनी रुपीज हो गई 12, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर की 12 रुपीज है, तो इतने स्क्वायर मीटर की 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 × 50 × 3.14 × 0.204 रुपीज, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, 12 × 5 = 60, तो 600 तो ये हो गया, × 3.14 × 0.204, फिर क्या होगा देखो, 20 से डेसिमल उड़ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 × 24 6 × 24 6 × 6 = 28 6 × 3 = 18, इतना तो ये हो गया × 0.204। अब वीडियो पॉज करके मैं इसको मल्टीपल करके देखता हूँ कितना आता है, फिर आपको बताता हूँ, ओके। तो मैंने ये मल्टीपल करा और ये आ गया 384.336 पूरा, तो पैसे की मामला है, तो 2 डिजिट लिख लो तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 384.34 रुपीज, ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख सकते हो, क्लियर। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन इजी है, सिंपल था, फॉर्मूले बेस पर था। तो ये एक्सरसाइज 11.1 आपकी कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।